इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटर हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं ना, कैपेसिटर विद ए बैटरी। तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं ना। तो कैपेसिटर को बैटरी से लगा दिया, बैटरी का वी नॉट मान लिया। तो अपना वी नॉट क्या है भाई, ई नॉट इंटू डी, क्यू नॉट है अपना, ठीक है वो सब तो लिख देंगे, सी नॉट इंटू वी नॉट वगैरह है, रिलेशन है सारी वो अपन लिख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या फर्क आएगा बताओ। और इसी बीच में हमने डायलैक्ट्रिक प्लेट डाल दिया ना, जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, ठीक है। तो मान लेते हैं नया चार्ज आ गया क्यू, इस पर आ गया माइनस क्यू, पोटेंशियल तो खैर वी नॉट है तो वी नॉट ही रहेगा। नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मान लो ई, नया कैपेसिटेंस आ गया मान लो सी, ये सब चीजें निकालनी है हमको, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो देखो इस वाले केस में क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो कुछ भी हो जाए नया वाला पोटेंशियल तो वी नॉट ही रहेगा, पोटेंशियल इस वाले केस में चेंज नहीं करेगा, पिछले वाले केस में चार्ज चेंज नहीं करा था क्योंकि चार्ज के पास फ्लो करने की जगह नहीं थी, इस वाले केस में पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा पर चार्ज चेंज कर सकता है, बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज दे सकती है, तो नया चार्ज हमको निकालना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो पोटेंशियल तुम्हारा होता है नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, है ना, और पोटेंशियल तो तुम्हारा कितना है वी नॉट, तो ई इंटू डी, देखो वी तो वी नॉट के बराबर ही है, और वी नॉट यहाँ से देखो कितना है, V नॉट कितना है E नॉट इंटू डी, E इंटू डी, तो इससे क्या निकल के आ गया तुम्हारा, इससे क्या निकला E इज इक्वल टू E नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करी क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल सीधे सीधे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो पोटेंशियल V नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है अपनी E नॉट, तो इसके इसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेंगे जब बैटरी कनेक्टेड है। तो अब क्वेश्चन आया भाई, डायलेक्ट्रिक तो हमेशा एक्सटर्नल से के टाइम्स क्या करता है, कम रखता है, और एक्चुअली अभी भी हुई है के टाइम्स कम, एक्चुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारी, एक्सटर्नल तुम्हारी जो ई होती है जो इसने क्रिएट करी है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स होती है, और तुम्हारी इस समय ई कितना है ई नॉट, तो क्या हो गया इस बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है, मतलब डायलेक्ट्रिक के बिना जो फील्ड होती थी वो अब ई नॉट नहीं, ई नॉट से ज्यादा हो गई है, के ई नॉट हो गई है, वो फील्ड के ई नॉट हो गई, और फिर तुमने कैसे डिवाइड कर दिया तो तुम्हें वापस ई नॉट मिला, ठीक है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अपनी, चार्ज पे डिपेंड करती है, कितनी होती थी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और हमने कैसे डिवाइड कर रखा है इसको, और ई नॉट कितनी अपनी, यहां से देखो ई नॉट अपना क्या होगा बताओ, ई नॉट होता है क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो रखो ई नॉट कितना आ गया अपना क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो क्यू इक्वल टू कितना आया, तो पिछली बार चार्ज कांस्टेंट था, इस बार चार्ज k टाइम्स बढ़ गया। अब कैपेसिटेंस तुम लोग बता दो, कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, सेम रहेगा, k टाइम्स बढ़ जाएगा, k टाइम्स कम हो जाएगा। अच्छा देखो फिर से समझाते हैं हुआ क्या, देखो क्यों पिछली बार समझाना मुश्किल हो जाता, हुआ क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, ये क्यू नॉट है चार्ज, और ई नॉट क्या है अपना क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे से ए और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे चार्ज के प्रोपोर्शनली दिख रहा है। देखो इस केस में देखो जैसे ही तुमने डायलेक्ट्रिक डाला चार्ज के टाइम्स बढ़ गया, चार्ज के टाइम्स बढ़ा मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स बढ़ गई, मतलब चार्ज अगर के टाइम्स बढ़ा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज था क्यू नॉट, अब कितना हो गया के क्यू नॉट, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई यहाँ पे के क्यू नॉट, समझ में आया क्या, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पर अब डायलेक्ट्रिक का काम क्या है के टाइम्स कम करना, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू नॉट, अब उसको के टाइम्स कम करा तो वापस ई नॉट निकल के आई, तो भाई दोनों ने अपना अपना काम दे रहा है, उसने डायलेक्ट्रिक ने के टाइम्स कम करी है एक्सटर्नल, और बैटरी ने अपने हिसाब से कांस्टेंट रखी है, तो ये पिछली बार समझाना मुश्किल हो जाता मेरे लिए इतना सब क्या हुआ, पर अभी समझ में आ रहा है क्या, क्लियर दिख रहा है। कैपेसिटेंस निकाल देते, कैपेसिटेंस होता है अपना क्यू बाय वी, क्यू तुम्हारा के क्यू नॉट है और वी तुम्हारा वी नॉट है, क्यू नॉट बाय वी नॉट इज सी नॉट, तो सी कितना आ गया के सी नॉट, तो कैपेसिटेंस दोनों ही बार के टाइम्स बढ़ा, समझ रहे हो, कैपेसिटेंस पिछली बार भी के टाइम्स हो गया था, इस बार भी के टाइम्स हो गया, तो डायरेक्टली डालने से कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। अभी इन सब चीजों को अपन को समराइज करके भी इसको लिखेंगे अभी अपन। एनर्जी बताओ जल्दी से, एनर्जी के साथ क्या हुआ,
एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? तो इस केस में यू नॉट थी क्या हो गई, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। इस केस में एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के टाइम्स यू नॉट। पिछली बार के टाइम्स बढ़ गई, समझ में आया? इस बारे में एनर्जी बढ़ कैसे गई, एनर्जी का क्रिएशन कैसे हो गया? बैटरी है ना, बैटरी ने वर्क कर दिया। यहाँ पर भी तुम हीट लॉस निकाल सकते हो, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है भाई। अरे सुन लो यार, सुन लो, यहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डायलेक्ट्रिक डालने पे हीट का लॉस कितना हुआ। देखो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अब सब चीज करनी नहीं है ना, पर कंसेप्ट आने चाहिए समझ में कि भाई ये सिचुएशन थी, इसमें डायलेक्ट्रिक प्लेट डाल दी, बताओ हीट लॉस कितना हुआ। तो अगेन पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले तो वर्क डन भाई बैटरी निकालेंगे, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करा, के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, उससे वर्क डन भाई बैटरी पता चलेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, डेल एच माइनस वो करोगे, समझ में आ गया? पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा, वो ध्यान रखना है, वो हर केस में आएगा। चलो भाई इसमें और भी एनालिसिस है, समराइज करना है हमको इसको और इसके कंसेप्ट को ग्रास्प करना है, उसको भी अपन ब्रेक के बाद करते हैं। तो अपने दो केसेस हैं यहाँ पे ना, एक तो अपना है डायलेक्ट्रिक अपन इंस्टॉल कर रहे हैं ना, एक तो है कैपेसिटर विदाउट बैटरी, और एक केस है अपना कैपेसिटर, और सबसे पहले अपना कैपेसिटर था कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक है ना, फिर अपने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया ना, यहाँ पे अपना कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक, यहाँ पे कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक नहीं है ना, और इन दोनों केसेस में डायलेक्ट्रिक है एंड विद डायलेक्ट्रिक, ठीक है। तो देखो जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तब चार्ज मान लो क्यू नोट था, पोटेंशियल वी नोट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट थी, कैपेसिटेंस सी नोट था, और पोटेंशियल एनर्जी यू नोट थी। ये तब की कहानी है जब हमने डायलेक्ट्रिक नहीं डाला, कैपेसिटर में जब हमने डायलेक्ट्रिक नहीं डाला तो मान लो ये सारे पैरामीटर्स थे हमारे। अब कैपेसिटर में हमने डायलेक्ट्रिक डाला और विदाउट बैटरी वाला है, अगर बैटरी नहीं तो चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, नया चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा, बैटरी नहीं तो चार्ज आने की कोई जगह नहीं है, तो चार्ज तो तुम्हारा सेम ही रहेगा। पोटेंशियल क्या हो जाता है, अच्छा देखो चलो पोटेंशियल बाद में निकालेंगे, चार्ज तो वही रहेगा क्यू नॉट, और कैपेसिटेंस हर केस में बढ़ता है, कैपेसिटेंस दोनों केस में के टाइम्स हो जाता है। इस वाले केस में भी क्या होगा, बैटरी के साथ वाले में भी के टाइम्स हो जाएगा, और जब बैटरी कनेक्टेड है तब नया पोटेंशियल क्या होगा, है ना, जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों निकाल दिए ना तो बाकी निकल जाते हैं। अब देखो वी क्या होता है तुम्हारा, क्यू बाई सी, तो देखो क्यू नॉट बाई के सी नॉट आ रहा है ना, क्यू नॉट बाई के सी नॉट, मतलब ये क्या हो गया वी नॉट बाई के, क्यू नॉट बाई सी नॉट तो तुम्हारा वी नॉट है। यहाँ पे चार्ज निकालना है, यहाँ का चार्ज कैसे निकलेगा, सी इंटू वी होता है, तो के सी नॉट इंटू वी नॉट, तो क्या आ गया के टाइम्स क्यू नॉट, सी नॉट वी नॉट तुम्हारा के नॉट है। देखो चार्ज निकल गया, ये तीनों निकल गए। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को फॉलो करता है, अगर पोटेंशियल बाई के टाइम्स कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की ई नॉट ही रहेगी। बहुत लेट नहीं हुआ तुमको, आधा घंटे का ब्रेक ले लिया तुमने, 15 मिनट की जगह। कनेक्ट नहीं करते तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, के टाइम्स कम हो जाती है, और जब बैटरी कनेक्ट करते तो के टाइम्स आ जाती है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई, बैटरी ने दी है ना, और इसमें जो एनर्जी कम हो गई वो एनर्जी कहाँ गई, जब डायलेक्ट्रिक डालते हैं ना तो वो अट्रैक्ट होती है, तो वो डायलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, और फिर डायलेक्ट्रिक एसएचएम भी करने लगता है उसके अंदर, वो भी अपन करेंगे आगे जाके। ये जल्दी टेबल बना लो, इससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे डायलेक्ट्रिक डालने पर क्या होता है।